हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मनीषस और आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं द लैंडस्केप ऑफ द सोल के। तो ये सब भाई सब कहते हैं बहुत बकवास चैप्टर है और वैसे इसकी सच में कोई स्टोरी नहीं है, बेकार बकवास चैप्टर है बिल्कुल। इसलिए मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए, क्योंकि अगर मैं समरी बनाता तो आपको कुछ समझ में नहीं आती कि क्या बोल रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पढ़ के चले जाओ, तुम्हारे मार्क्स इसमें ही आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द पेंटर व्हेन ही एंटर्ड द केव। जब पेंटर और एम्परर दोनों केव के अंदर गए तो क्या हुआ। यहाँ पे पेंटर है वु डाउजी और एक एम्परर है। एम्परर कहता है पेंटर से कि भाई तुम मेरी एक दीवार है, उस वॉल को तुम प्लीज अपनी पेंटिंग से सजा दो। तो वु डाउजी एक पेंटिंग बना देते हैं और दोनों उस पेंटिंग के एकदम से अंदर चले जाते हैं, जो वॉल पे पेंटिंग बनी होती है। उसके बाद उसमें एक केव होती है माउंटेन के नीचे। जो एम्परर होता है वो दो ऐसे करके ताली बजाता है, उसका जो गेट होता है केव का वो ऐसे करके ओपन हो जाता है। दोनों पेंटर और एम्परर उस केव के अंदर जाते हैं और जाते ही जो डोर होता है वो बंद हो जाता है पीछे से और पूरा ब्लैक हो जाता है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर एकदम से क्या होता है, एम्परर कुछ बोले या इधर उधर हिले उससे पहले पूरी वॉल से पेंटिंग गायब हो जाती है। एक लाइन है वो आप प्लीज़ अच्छे से नोट कर लो कि बिफोर ही कुड मूव और स्पीक द पेंटिंग हैड डिसअपियर्ड और ब्रश का निशान भी नहीं बचता पूरे वॉल पर। उसके बाद से वु डाउजी को कभी देखा नहीं गया, वु डाउजी गायब हो गया कहीं। कैसे गायब हो गया वो नहीं पता। ये आंसर बहुत ईजी है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अब अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। अब आपका क्वेश्चन है, वाई डिड द पेंटर नॉट ड्रॉ द आई ऑफ द ड्रैगन ही हैड पेंटेड। उसने जो ड्रैगन की पिक्चर बनाई थी उसने उस ड्रैगन की आईज को क्यों ड्रॉ नहीं किया और हाउ फार डू यू एग्री विद हिम। भाई आप उसके साथ सहमति रखते हो या नहीं रखते हो। इसका आंसर है कि भाई जब उसने ड्रैगन की पेंटिंग बनाई तो उसको डर था कि उसकी पेंटिंग इतनी रियल है कि अगर वो उस आई को बना देगा तो ड्रैगन उस पेंटिंग से निकल के बाहर आ जाएगा। तो उसको इस बात का इतना डर था कि भाई अगर ये बाहर आ गया तो वो डर जाएगा, इतना बड़ा ड्रैगन आ जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारे सामने आ गया तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसलिए उसको इतना डर था, उसने आई भी नहीं बनाई उसकी। तो यही इसका आंसर है और लास्ट में लिख देना यस वी एग्री विद हिम, क्योंकि उसका थॉट स्पिरिचुअल है इसलिए तुम उसके साथ एग्री करते हो। तो चलो इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विद एग्जाम्पल्स। अब आपको बताना है कि भाई चाइनीज़ व्यू क्या है और यूरोपियन व्यू क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा, इसको प्लीज़ ध्यान से लर्न कर लो। चाइनीज़ व्यू क्या होता है, चाइनीज़ व्यू कहता है कि आप एक पेंटिंग को किसी भी एंगल से देखो, अप डाउन बाहर अंदर जहाँ जाना है आपको उस पेंटिंग में जाओ, आपको वो पेंटिंग वैसी दिखेगी, ठीक है। आप किसी भी एंगल से देख लो आपको वैसी दिखनी है। और उसमें एक लाइन है कि वो ये नहीं कहता कि आप उसकी आइज़ को बोरो करो, वो ये नहीं कहता कि आप उसके आइज़ को लो और वैसे ही देखो जैसे उसने पेंटिंग बना पेंटिंग जैसे जब उसने बनाई थी उसको देखा था। वो चाहता है आप कहीं से भी देखो आपको वैसी दिखेगी और वो चाहता है कि इसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर हो। और ये रियल और एक्चुअल व्यू बिल्कुल भी नहीं है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, ये रियल और एक्चुअल व्यू नहीं है। इसके बाद हम यूरोपियन व्यू में आते हैं। यूरोपियन व्यू क्या कहता है कि आप मेरी आइज़ को बोरो करो, पेंटर कहता है अपने व्यूअर से कि आप मेरी आइज़ को बोरो करो और इस पेंटिंग को सिर्फ इसी एंगल से देखो जिस एंगल से मैंने देखा है। और यही रियल और एक्चुअल व्यू है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप अगर इधर उधर से देखोगे तो आपको वो सीन नहीं दिखेगा जो सीन पेंटर ने देखा था। जैसे पेंटर ने अगर आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे इस तरफ से देख रहे हो, तो पेंटर कहता है कि आप मुझे बस इसी तरफ से देखो, इधर उधर से देखोगे तो आपको वो मज़ा नहीं आने वाला, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आपको इसका आराम से मिल जाएगा, इजी क्वेश्चन है। तो चलो इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वॉट इज़ द कंसेप्ट ऑफ शेंशुई या फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शेंशुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में ज़रूर आएगा, इसको प्लीज़ ध्यान में बैठा के रख लो, ये और इससे पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब शेंशुई का लिटरली मीनिंग होता है, इसके दो वर्ड से मिलके बनता है, माउंटेन वाटर। पहला वर्ड है माउंटेन, दूसरा वर्ड है वाटर। और ये दोनों एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स ऑफ द यूनिवर्स हैं। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ऐसे ये यूनिवर्स के दो पोल्स के समान हैं, इंडिकेट करते हैं। और ये दो पोल्स और कौन है, यांग और यिन। अब इसमें बताया गया है जो माउंटेन होता है वो डिनोटेड बाय होता है यांग, YANG इधर मिल जाएगा आपको, ठीक है।
यैंग, माउंटेन को हम यैंग कहते हैं और उसके बारे में बताया गया है इट इज़ वर्टिकली अपवर्ड टू द हेवन स्टेबल, और ये वार्म होता है और ड्राई होता है। वार्म इसलिए होता है क्योंकि जब माउंटेन इतना ऊपर होता है तो सन की डायरेक्ट आपकी वो पड़ता है इसके ऊपर, तो इसलिए वार्म होता है, ठीक है। और डायरेक्ट हेवन की तरफ जाता है, जब भी तो माउंटेन इतनी ऊंची होती है सीधा हेवन की तरफ बोला गया है, ऐसे जाता नहीं है, इतना ऊपर जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ आपका यिन है, YIN यहाँ मिल जाएगा, इसको हम कहते हैं वाटर, ये वाटर से डिनोट किया गया है। ये क्या होता है, रेस्टिंग ऑन द अर्थ। आपको जैसे कि पता है पानी अर्थ के रेस्ट, मतलब इसके अर्थ के क्रस्ट पे होता है, तो इसलिए बोला रेस्टिंग ऑन द अर्थ। मॉइस्ट होता है, पानी मॉइस्ट ही होगा क्योंकि उसमें वाटर होता है, H2 होता है, केमिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है, ये लिक्विफाइड होता है, ये भी आपको पता है केमिस्ट्री पढ़ा है, लिक्विफाइड, मॉइस्ट और ठीक है, और रेस्टिंग ऑन द अर्थ, ये तीन बातें आप ध्यान रख लो, ठीक है। और इसका जो मेन कंसेप्ट है, द इंट्रैक्शन बिटवीन यांग एंड यिन इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ शेंगशुई, ठीक है। जो इंट्रैक्शन होती है माउंटेन एंड वाटर की, यांग एंड यिन की, यही है मेन कंसेप्ट शेंगशुई का। तो प्लीज़ इसको अच्छे से लर्न कर लो, आंसर आपको इसका मिल जाएगा। थैंक यू, और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द अनट्यूटर्ड जीनियस ऑफ द पैराडाइज एंड वॉट इज द नेचर ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्ट। भाई उसका क्या नेचर था और भाई वो कौन है अनट्यूटर्ड जीनियस जिसने वो एक पैराडाइज को बनाया है, तो उसका नाम है नेक चंद। इसका नाम आपको साइड में मिल जाएगा, नेक चंद है जिसने रॉक गार्डन है चंडीगढ़, जी हमारे इंडिया में चंडीगढ़ में उसने रॉक गार्डन बनाया। और भाई किससे बनाया है आप सोचोगे, उसने वेस्ट मटीरियल का यूज़ करके गार्डन बना दिया है, ठीक है। उसने एक लैंड खरीदी थी और उसके बाद उसने खुद ही अपनी मेहनत से वेस्ट मटेरियल्स के हेल्प से उसने एक गार्डन को क्रिएट किया, तो इसको हम कहते हैं इंडियाज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर आर्ट। अब आउटसाइडर आर्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको लिखना पड़ेगा आंसर में जब भी आपको मार्क्स मिलेगा। आउटसाइडर आर्ट होता क्या है, ये वो लोग होते हैं, आउटसाइडर आर्ट वो चीज़ होती है कि अगर किसी इंसान को आपने ट्रेनिंग नहीं दी है कि कोई चीज़ करने के लिए, आपने उसको सिखाया ही नहीं है, जब भी वो एक बड़ा इतना अच्छा काम करते, जैसे नेक चंद थे, इनको कुछ ट्रेनिंग नहीं थी पेंटिंग बनाने की, कुछ इनके दिमाग में इतना कोई ऐसा नहीं था, इनको बोला नहीं गया था आपको ऐसे ऐसे करो, उनकी हेल्प नहीं करी गई थी, इन्होंने बिना ट्रेनिंग की इतना बड़ा रॉक गार्डन बना दिया, तो ये बहुत बड़ी उनकी एक सफलता हुई, तो यही था आउटसाइडर आर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यही थी टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लैंडस्केप ऑफ द सोल। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और थैंक यू उन सभी लोगों को जिन्होंने कमेंट करके मुझे पिछली वीडियो में बताया कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, और ऐसी आपने मुझे मोटिवेट किया, ऐसी मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा आगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।